अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ द सीरीज which we are conducting in Ramadan, और आज हमारा फोकस होगा सूरह अल बकरा की इन आयात के ऊपर, आयत नंबर 284 से लेकर 286 तक, which are the last verses of सूरह अल बकरा। और ये सफ़र हमने शुरू किया था इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए, और हमने उस आयत पे बेस किया था जो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 है, जिसमें रोज़ों की फर्जियत के बारे में बात हुई थी और इख्तिताम में आ रहा था लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह ताला हम ये क्यों करना चाह रहे हैं सब कुछ, ताकि हमें तकवा नसीब हो, हम मुत्तकी बन जाएं। इस पूरे सेशन में आई जस्ट वॉन्ट टू रिकैप कि हमने क्या कुछ कवर किया, सूरह अल फातिहा और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। फिर उसके बाद हमने तीन प्रोफाइल्स देखे थे कि हमें उसमें से कौन सा होना है, मुत्तकी, काफिर, मुनाफिक। फिर इसके बाद हमने अपनी क्रिएशन की स्टोरी पढ़ी थी आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि उसमें क्या कुछ हुआ, और शैतान इबलीस के बारे में भी पढ़ा कि वो हमारा दुश्मन क्यों है और हमारे साथ क्या कुछ करता है। और हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क जो हमें साइन किया गया, दैट वॉज अकीमुस्सला। फिर हमने बहुत डिटेल में देखा कि जो बनी इसराइल हैं उनकी केस स्टडी से हम क्या कुछ सीखते हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में हमने पढ़ा कि अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से कमज़ोर होगा तो फिर वालदैन के साथ और आगे की जो चेन है वो भी ठीक नहीं चलेगी। जादू और जादू से अपने आप को कैसे बचाया जाए, और जादू सोसाइटी में कॉमन कब हो जाता है। इसके अलावा राइट्स ऑफ कुरान वो भी हमने देखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रोल मॉडलिंग थी। फिर हमने देखा कि उम्मत वसत अल्लाह ताला ने हमें बनाया, और जो किबला है उसका जो रुख बदला गया, तहवील किबला। इसके साथ हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि ज़िंदगी में टेस्ट होंगे ही होंगे, और उन टेस्ट के मामले में हमारा रवैया क्या होना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी बात की। फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे शदीद रखी जाती है उसको हमने समझा, और उदखुलु फिस्सिल्मे काफा के इस्लाम में पूरे के पूरे हमें दाखिल होना है। फिर हमने एडिक्शंस को भी देखा कि मुख्तलिफ तरह के जो नशे होते हैं ये कैसे हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, और इनसे हमने अपने आप को कैसे बचाना है। सूरह अल बकरा में शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में हमें क्या गाइडलाइन मिली। फिर हमने आयतुल कुर्सी पर बात ख़त्म की थी कि अल्लाह की बड़ाई को जानना कितना ज़रूरी है। सो कैन यू इमेजिन के इन सच अ ब्रीफ टाइम हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब आपको कहीं पे भी कोई सूरह अल बकरा की बात करे तो आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। आपको पता है कि सहाबा इकराम वो 7 से 8 साल सिर्फ सूरह अल बकरा को समझने और उसको प्रैक्टिस करने में लगाते थे, यानी उनका काम ही ये था कि हमने इसको पढ़ना है, समझना है जो इसके मैसेजेस हैं, और फिर हमने उसके मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सूरत जो है इसीलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, और इसको बार बार पढ़ना बहुत पसंदीदा है, बार बार इसको समझना, यानी ये एक ऐसा टास्क है जो आपकी ज़िंदगी के मिशन में शामिल होना चाहिए कि मेरे पास अब ओवरव्यू है, अब मुझे इसको डिटेल में भी पढ़ना है, मुझे बहुत से स्कॉलर्स को भी सुनना है, और मुझे देखना है कि इसके जो अहकाम हैं वो कैसे हैं। सो आज हम जो आयात कर रहे हैं towards the end of Surah Al-Baqara, this is going to give us focus of life. Acha, phir zindagi mein hona kya chahiye aur karne ke kaam kya hain. Ayat number 284 mein Allah subhanahu wa ta'ala farmate hain, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ke liye hai jo kuch aasmanon mein hai, jo kuch zameen mein hai. Ye Allah ki malkiyat hai. Jaise hamara bag hamara hai, koi isko haath to lagaye humse bardasht nahi hota. हमारे कमरे में कोई आए तो सही, हम बहन भाइयों को भी कहते हैं निकल जाओ मेरे कमरे से, और जिसको शेयर करना पड़ता है उसको कितनी तकलीफ़ होती है, और उसका दिल चाहता है कि
मेरे पास अपना कमरा होना चाहिए, कोई मेरी भी जिंदगी है, मेरी पर्सनल स्पेस, ये जो तसव्वुर है। तो अल्लाह सुबहान ताला की ये सारी जो कुछ दुनिया में है ये अल्लाह का है, और ये अल्लाह ताला हमें बार बार बताते हैं कि ओनरशिप किसकी है। और फिर फरमाते हैं, व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम और तुफूहू युहासिबकुम बिहिल्ला, जो कुछ भी इसमें है तुम्हारे नफ्सों में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, तुम उसको जाहिर करो या तुम उसको छुपाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहासबा कर लेगा। अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लेना है, कैच कर लेना है। अल्लाह ताला के लिए काम मुश्किल नहीं है। और हम देखते हैं कि आज के दौर में अगर कोई चीज़ हमें परेशान करती है तो वो हमारा ये थॉट प्रोसेस है। नमाज पढ़ने लगते हैं तो हम कहते हैं सोचें आती हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो हम कहते हैं सोचें आती हैं, प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो वी आर ओवरली ऑक्यूपाइड विथ थॉट्स, और ये सोचें हमें छोड़ती नहीं है। इसी तरह किसी से हमें नफरत हो तो सोचें आती हैं, किसी से मोहब्बत हो तो सोचें आती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सोचें जो हैं इनका मुहासबा होगा, इन सोचों को भी अल्लाह ताला जानते हैं। और फिर साथ कहा गया, फयग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, तो जिसको अल्लाह ताला चाहेगा माफ़ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। अब आप देखें ऐसे तो नहीं है कि कोई बहुत सिक मेंटेलिटी का है, जेलस है, ज्यादतियां कर रहा है, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा, अनलेस ऐसा काम उसने किया हो जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला के पास भी एक सुन्नत है, एक क्राइटेरियन है कि अल्लाह ताला ने कैसे माफ़ करना है या कैसे पकड़ना है। और अजाब किसको देगा? जाहिर है जो गलत काम कर रहा होगा। ये तो बहुत इजी हमारे पास 2+2 कैलकुलेशन है, लेकिन साथ साथ हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी बात पे जब राजी होगा तो किसी भी इंसान के लिए कोई भी फैसला कर सकता है। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा बहुत परेशान हुए। सहाबा ने सोचा कि अच्छा ये मतलब हमें सोचों में तो बहुत कुछ आ जाता है। आप देखें एक अच्छे से अच्छा इंसान जो है ना, जो नमाजी भी है, कुरान पढ़ने वाला है, अल्लाह ताला की बात सुनने वाला है, पेरेंट्स का भी ताबेदार है, उसको भी कभी कभी ऐसी बुरी सोचें आ जाती हैं। एंड दीज थॉट्स कैन बी अबाउट एनीथिंग, यानी वो ऐसी सोचें होती हैं हम किसी को बताना नहीं चाह रहे होते, बिकॉज एज ह्यूमंस समटाइम्स वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर आवर थॉट्स। यही चीज़ हमें परेशान कर रही होती है। तो सहाबा भी इसी बात पे परेशान थे। और फिर उसके बाद कुछ अगली आयात नाजिल हुई जिसमें बताया गया कि नहीं, अगर सोच आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे और आप उसको रिजिस्ट कर रहे हैं और आप उसको चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर पकड़ नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोचों की बात हुई है। आप में से जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं ये आपने देखा होगा, दिस इज़ CBT ट्राइंगल, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये फॉर्मूला? कि सोच, कोई भी जो थॉट होती है वो जनरेट करती है फीलिंग्स को, जज्बात को, और वो जो फीलिंग्स और जज्बात जनरेट होते हैं वो आपके एक्शंस में आ जाते हैं, एक्शंस उसके मुताबिक होते हैं। जैसे आपकी थॉट पॉजिटिव होगी तो फीलिंग कैसी होगी? बहुत अच्छी, खुशी के जज्बात होंगे। और फिर एक्शंस कैसे होंगे? वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। और इसके वाइस वर्सा, अगर आपकी सोच नेगेटिव है, बहुत आप अंदर से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अपने आप को ही बुरा समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? जो आपकी फीलिंग्स है ना वो भी बहुत नेगेटिव, बुरी, डिप्रेशन वाली और रिजेंटमेंट वाली, गुस्से वाली, बुग्स वाली, हसद वाली, ऐसी हो जाएंगी। और फिर आपके एक्शंस कैसे होंगे? आप जितनी भी कोशिश करेंगे अपने आप को कंट्रोल करने की, आपके एक्शंस और बिहेवियर्स भी वैसे होंगे। और आपको पता है कि बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करते हैं, कॉन्टिन्यूसली वो ये चाह रहे होते हैं बिहेवियर ठीक हो जाए, थॉट्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता। इसीलिए जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या लाइफ कोच के पास जाते हैं, दे वर्क ऑन योर थॉट्स, और जब आपकी थॉट्स ठीक होनी शुरू हो जाएं, उनमें जो मिलावटें आ जाती हैं
जो कुछ हमसे मैनेज नहीं हो रहा होता तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी फीलिंग्स भी अच्छी होती है, हमारे बिहेवियर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इन थॉट्स में हमने क्या कुछ करना होता है, इन थॉट्स में हमने जब भी कोई भी सोच आती है उसको एनालाइज करना होता है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे रही हूँ, सोच आ रही है, बॉदर कर रही है, सोने नहीं दे रही है, काम नहीं करने दे रही है, पढ़ाई पे फोकस नहीं करने दे रही है, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करने दे रही है, हेल्दी काम नहीं करने दे रही है, एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं नहीं हो रहे, ऑल यू हैव टू डू इज राइट डाउन दोज थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसको लिखें, जर्नलिंग करें। जब आप उन थॉट्स को लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि वो थॉट जो होती है ना वो आपके सामने पेपर पे आती है। अब आप अपने आप से सवाल करते हैं, ये कुछ जो कुछ मैं सोच रही हूँ ये हकीकत है, रियलिटी है, फैक्ट है, या ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है ऑफ द सिचुएशन। अगर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन है फिर मैंने इसको डिस्कार्ड कर देना है। इसका मतलब है मेरा जहन इस कहानी को खुद कुक अप कर रहा है। और अगर ये फैक्ट है, मुझे जो कुछ महसूस हो रहा है इसमें कोई हकीकत है, तो फिर मुझे इसको ठीक करने के लिए एक्चुअल स्टेप्स लेने हैं, बस इतना सा काम है। और जब आप वो स्टेप्स लेना शुरू करते हैं तो थॉट प्रोसेस जो है उस पर तब्दीली आ जाती है। तो ये ट्राइंगल हमने देखना होता है। और हमारी थॉट्स किस नेचर की होती हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने देखा है लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बड़ी सोचें आती हैं, और क्योंकि बचपन से हमें सिखा दिया गया होता है अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसी बात नहीं सोचते, तो हम वो बात ही नहीं करते। लेकिन हम अपनी सोचों में बहुत कुछ ऐसे लाते हैं, व्हाट इफ़ देयर इज़ नो गॉड, अगर अल्लाह ताला ना हुए, अच्छा अल्लाह ताला कैसे हैं, क्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं और हम उनको बिल्कुल शट अप कॉल दे देते हैं। कल ही मेरी अपनी फैमिली में बच्ची है, शी इज़ 5 years एंड शी सेड टू मी, उसने किसी और सिटी की बात की कि वहाँ पर भी वही वाले अल्लाह ताला हैं और जो यहाँ पर हम इस्लामाबाद में हैं, यहाँ पर भी वही अल्लाह ताला हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला तो सब जगह पर एक ही होते हैं। उसने कहा दो होंगे ना, एक उधर के होंगे एक इधर के होंगे। मैंने कहा देखो अगर दो लोग हो जाए तो फिर तो लड़ाई शुरू हो जाती है। उसने कहा तो फिर ज़्यादा हो जाए ना, हर जगह अपने अपने हो जाए। मैंने कहा फिर तो और ज़्यादा लड़ाई होगी। तो 2 मिनट उसने सोचा, फिर कहती अच्छा फिर ठीक है, फिर एक ही अल्लाह ताला ठीक है। देखिए अगर मैं उसको कहती ऐसी बात नहीं करते तो वो सोच ना जाती, वो आगे जा जा कर भी उसको बॉदर करती। तो हमें जो अल्लाह ताला के बारे में सोचें आती हैं उनको एड्रेस करने के लिए कुरान को पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा। आंसर्स यहीं से आपको मिलेंगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम लगाएंगे। दीन के बारे में बहुत सारी सोचें आती हैं, फलां जगह जुल्म क्यों हो रहा है, अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया है, ऐसे क्यों है, मर्द को ये राइट क्यों दिया है, औरत को ये क्यों नहीं दिया है। अब इस चीज़ को भी हमने एड्रेस करना होता है। राइट एंड रॉन्ग के बारे में बहुत थॉट्स आती हैं, क्या दुरुस्त है क्या गलत है, सोचें आती रहती हैं, मैं सही कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ। इसको भी आपने एड्रेस करना है कि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है या कोई असूली प्रिंसिपल्ड बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी आपको फिर फॉर्मूलाज पढ़ने होते हैं। अगर आप बहुत नेगेटिव थिंकर हैं तो आपको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, डेली गूगल करके एक आर्टिकल पढ़ लिया करें ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, तो आप देखेंगे 4 से 6 महीने में आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर लोगों के बारे में सोचें आती हैं, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें नहीं अच्छा लगता, इन सोचों को भी हमने एड्रेस करना होता है। अच्छा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं, ये सोचों की मिलावटें हैं जो हमारे अपनी, जैसे समझें कि हमारी जो ब्रेन की वायरिंग है ना उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, वहाँ पर हम बहुत जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ऐसी सोचें होती हैं, इनको फिर बाकायदा तौर पर एड्रेस करना पड़ता है और इनको इनके लिए किसी कोच के पास जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फिर शैतान के वसवास हैं, शैतान हमें बहुत वसवसे देता है, ऐसी सोचें हमारे पास होती हैं। और हमारी सेल्फ टॉक है, सेल्फ टॉक पे बहुत फोकस किया करें कि हाउ डू आई टॉक टू माई सेल्फ। अगर आप अपने आप को हर बात पे कहते हैं मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं निकम्मी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं क्या ये गलतियाँ करती हूँ, किसी इंसान ने भी आपको जो मर्जी बात कह दी, आपने उससे ज़्यादा अपने आप को बुलडोज करना शुरू कर दिया, आई एम वर्थलेस, आई एम नो गुड, तो फिर क्या होगा, ये सोचें बढ़ेंगी और ये सोचें आपको और ज़्यादा बॉदर करेंगी। एक बड़ी खूबसूरत नरेशन है ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें आता है मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड,
Verily, Allah has recorded good and bad deeds, and He made them clear. Whoever intends to perform a good deed but does not do it, then Allah will record it as a complete good deed. आपने सोचा मैं ये अच्छा काम करूंगी, अभी आपने किया नहीं, फौरन डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है एज गुड डीड. फिर क्या है, एंड इफ ही इंटेंड्स टू डू इट एंड डज इट, देन अल्लाह द एग्जॉल्टेड विल रिकॉर्ड इट एज 10 गुड डीड्स एंड अप टू 700 टाइम एज मच और इवन मोर. और अगर आप एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 10 गुना से 700 गुना, डिपेंडिंग आपकी इंटेंशन क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, वो आपको सवाब मिल जाता है. फिर आप आगे देखें, इफ ही इंटेंड्स टू डू अ बैड डीड एंड डज नॉट डू इट, देन अल्लाह विल रिकॉर्ड फॉर हिम एज वन कंप्लीट गुड डीड. आपने कोई गलत बात सोची, आपने कहा मैं ना इससे सारे नोट्स अपने शेयर करती हूँ, लेकिन देखो जरा इसका हाल, ये मुझसे नहीं शेयर करती, देखना मैं इसके साथ क्या करूँगी, मैं भी इसको नोट्स नहीं दूंगी. अब वो फ्रेंड आपके पास आ गई, उसने नोट्स मांगे, आपके दिल में ऐसे आप चलो दे देती हूँ, तो वो रिकॉर्ड कैसे होगा? जब तक आप बैड इंटेंशन रख रहे हैं, अल्लाह ताला उस फरिश्ते को कहते हैं होल्ड ऑन, अभी नहीं लिखना, होल्ड ऑन, इसको टाइम दो. और जैसे ही आपने कहा अच्छा चलो दे देती हूँ, कर देती हूँ, घर में अम्मी अब्बू के साथ भी हो जाता है ना, वो कभी कहते हैं ये काम करो, खाना बना दो, ये उठा के रख दो, दिल नहीं चाह रहा होता, हम दिल में कहते हैं क्या मुसीबत है, मुझे ही कहते रहते हैं, लेकिन फिर हम उठ के कर देते हैं, हम कहते हैं चलो अम्मी कह रही हैं, अब्बू कह रहे हैं, कर देती हूँ. तो वो आपका एक गुड डीड लिखा जाता है, बैड डीड नहीं लिखा जाता. और फिर इफ ही डज इट देन अल्लाह विल रिकॉर्ड फॉर हिम एज अ सिंगल बैड डीड. लेकिन अगर उसने वो गलत काम किया तो वो एक बुराई लिखी जाएगी, 10 से 700 गुना नहीं लिखी जाएगी. तो आप देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए ना एनवायरमेंट ऐसा बनाया है जिसमें हर वक्त यानी इंक्रीमेंट्स और सेलें लगी हुई हैं, हम उनसे फायदा नहीं उठाते, हमें हर वक्त कोई ना कोई ऐसा बोनस मिल रहा होता है जिससे हम यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं. इसके बाद हम लास्ट टू वर्सेस पे आते हैं जिसके बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, I have been given these last two verses of Surah Al-Baqarah from the treasures beneath the throne. Allah ke arsh ke khazanon mein se ye Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko diye gayi thi Miraj ke mauke pe. No prophet has been given the likes of them before me. Kya aapko ye baat pata thi ki inki kitni zyada importance hai ki ye arsh ke khazane se Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko mili hain. Aur isme kya messages hain, bahut important hain aur inko hum thoda sa samjhenge. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی تھی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے, اور مومنون بھی ایمان لے کر آئے. کون کون سی باتیں ہیں جن پر ہم ایمان لے کر آئے؟ جتنی ایمانیات پہ ہم بات کر چکے ہیں اور اس میں بتا بھی دی گیا, کلو آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے, یہ سب اللہ کے انبیاء ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو سٹیٹس دے دیا ہم اس کے مطابق ان کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا, ہم یہ بات مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا, ہم یہ بات مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا, ہم یہ بات مانتے ہیں. تو ہر پروفٹ کی جو سگنیفیکینس ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اور پھر کیا کہا, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور وہ کیا کہتے ہیں, سَمِعْنَا, ہم نے سنا, وَأَطَعْنَا, ہم فوراً مانے, ہم نے اطاعت کر لی. غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں لوٹ کر تم تیری ہی طرف جانا ہے. جب ہمارا ریٹرن ادھر ہے تو پھر ہم کیوں کوئی غلط کام کریں, کیوں ہم ایسی باتیں بولیں؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever recites the last two verses of Surah Al-Baqarah in the night, it is enough for him. Usko kafi ho jayengi. Sone se pehle Surah Al-Mulk, Ayatul Kursi, aur ye aakhri jo ye do ayat hain, inko zarur padh liya kare. Aap dekhenge aapki zindagi mein bahut barkat hogi. Jab aap ye padhte hain to aapko aise feel hoga, jo hum kehte hain Allah kafi ho jata hai, aapke challenges resolved ho jate hain, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان سے بہت بڑی پروٹیکشن ملتی ہے. اور جو ایمان کی بات تھی جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی, ایمان بالغیب آپ کا بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے, کیونکہ اس میں ہمیں یہ بار بار ریمائنڈر ملتا ہے کہ ایمانیات پہ توجہ دو, ایمانیات آر امپورٹنٹ. تو ایمان, پھر آپ دیکھیں اس کے بعد
हमने दोबारा ये जो देखा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, समय नवाताना, क्योंकि जो बनी इसराइल थे वो क्या करते थे, समय न व असई न, वो कहते थे हम सुनेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो जो इंसान अच्छा होता है, जिसके अंदर खैर होती है, वो क्या करता है, जब वो सुनता है तो वो मानता है, अगर उसे ना भी किया जाए वो कहता है मैं मानता हूं कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो समय न वताना, आप देखें असल ये चीज़ है, आप सुनेंगे और आप मानेंगे। कुछ लोग होते हैं ना सुनते हैं ना मानते हैं, वो कहते हैं मैंने सुनना ही नहीं कुरान को, मैंने अल्लाह की बात सुननी नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं तो इसलिए नहीं कुरान की क्लास में जाती, सुन लिया तो अमल करना पड़ जाएगा, समय ना कर लिया तो अताना करना पड़ जाएगा, तो भी ना सुनो। और कुछ लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं लेकिन कहते हैं आई विल नॉट डू इट, मेरा दिल चाहेगा तो मैं करूँगी। जैसे कई दफ़ा मदर्स भी कहीं दर्स पे जाएं तो आपको कहती हैं बेटा चलो मेरे साथ, जब बहुत ज़्यादा पुश करें हम कहते हैं ठीक है मैं चली जाऊँगी लेकिन करूँगी नहीं। तो असल एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम सुनें और हम अमल करें। फिर उसके बाद क्या कहा गया, नेक्स्ट वर्स जो है, विच इज़ द लास्ट वर्स ऑफ सूरह अल बकरा 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह ताला नहीं जिम्मेदारी ठहराएगा किसी जान को मगर उसकी वुसत के मुताबिक। अगर एक इंसान किसी परेशानी में है और उसको सॉर्ट आउट कर रहा है तो अल्लाह ताला किसी पे उसकी जान से ज़्यादा कोई बोझ नहीं डालता। यानी हम में से हर एक के चैलेंजेस पर्सनलाइज्ड हैं, जो मेरा चैलेंज है वो आपका नहीं है, जो आपका चैलेंज है वो आपके साथ बैठे हुए का नहीं है, हर एक का डिफरेंट है। और हम क्या कर रहे होते हैं कि दूसरों के चैलेंजेस को देखकर कहते हैं कि हाँ इसके तो कोई मसले ही नहीं, मेरे कितने मसले हैं, मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें चैलेंज दिए हैं ना वो तुम्हारे लिए थे, तुम सह सकते हो इसलिए तुम्हें ये चैलेंज दिया है, क्योंकि टेस्ट तो होना ही होना है। तो हमें जब भी कोई मुश्किल तरीन सिचुएशन आए तो वी नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेल आवर सेल्फ दिस कि जो अल्लाह ने मेरे पे मुझे दिया है वो मेरे लिए बोझ नहीं है। लहा मा कसबत वाले ही मक तसबत, इसी जान के लिए है जो उसने कमाया और उसके ऊपर वही वबाल होगा जो उसने बुराई की। जो कुछ इंसान कमाता है कसबत, मैंने आपको बताया था अपने हाथों की कमाई, तो हम जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है हम कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में खुद कर रहे होते हैं कि उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर हम क्या दुआ करते हैं, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना, ए हमारे रब हमारा आप मुआख़ज़ा ना कीजिएगा, अकाउंटेबिलिटी ना कीजिएगा अगर हम भूल गए। वैसे ही हम इंसान निस्यान से हैं, भूलने वाले, या हमसे ख़ता हो जाए, रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलताहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, हमारे रब हम पे कोई ऐसे बोझ ना डालना जो हमसे पहले लोगों पर डाले गए थे। बहुत मुश्किल जिंदगियां भी लोगों ने गुजारी हैं। रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना भी, फिर दुआ में हम कह रहे हैं अल्लाह ताला हम पे कोई ऐसे बोझ ना डालना जिसकी हम ताकत भी ना रखते हों। अब आप सोचिए सोने से पहले बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट डे आप अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझ पे ऐसा कोई बोझ ना डालना मेरे रब जो मैं ना पूरा कर सकूं, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाए। तो आप देखें अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगता है ना, तभी तो अर्श के खजाने के नीचे से दिए। अब आप सोचें हम हर वक्त अल्लाह ताला से कंप्लेन कर रहे होते हैं ये नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, वो नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, लेकिन जो करने के काम है वो नहीं हम करते। और क्या है, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स टू रीड दिस दुआ, लेकिन जब आपने पढ़ना है तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन पर गौर करते रहना है। और फिर क्या, वाफ़ु अन्ना वक़्फ़िर लना वरहमना दरगुजर फरमा, माफ़ कर दे रहम फरमा, अंता मौलाना तू ही मेरा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और काफिर कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मेरे लिए आसानियाँ फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड वेरीली अल्लाह हैज़ ओवरलुक्ड फॉर माय नेशन देयर ऑनेस्ट मिस्टेक्स फॉरगेटफुलनेस एंड व्हाट दे आर फोर्स्ड इनटू डूइंग। तो ये बात अपने पल्ले बांध लें कि अगर आपसे कोई गलती होगी है जिसका आपको बाद में एहसास हुआ आई शुड नॉट हैव डन दिस, तो वहाँ पर पकड़ नहीं होती, आप जब माफ़ी मांगते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है। एक होता है जानते बूझते गलती करना, आपको पता है, एक होते आपको एहसास ही नहीं हुआ। जैसे हमें पता है कि नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन हमें एहसास ही नहीं हुआ कभी कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है डेली रेसिटेशन करनी चाहिए लेकिन हमें एहसास ही नहीं हुआ। अब हमने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया हमें एहसास हुआ, इम्पैक्ट आया, तो हम अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह माफ कर देता है।
उस मिस्टेक को, उस बैगेज को कैरी ना किया करें प्लीज। हम क्या करते हैं, उसको साथ ले लेके चल रहे होते हैं। 10-10 साल तक हम सोचते रहते हैं, जब मैं इतने साल की थी, जब मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, इस्तग़फ़ार पढ़े, मूव ऑन। वो आपकी क्या थी, एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी। फॉरगेटफुलनेस, भूल गए, भूल के अगर खाना भी खा लिया तो रोजा नहीं टूटता। आप भूल गए और एकदम आपको याद है, वो जैसे सर्दियों में आपके साथ हो जाता है कि नमाजें बहुत करीब होती हैं ना, तो आप कुछ काम में लगे हुए थे, आपको कुछ फीलिंग हो रही थी, कुछ मिसिंग है, एकदम याद है, ओ ये तो मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, मैंने तो असर नहीं पढ़ी, पढ़ लें बस, क्योंकि भूल गए। भूल के लिए कुछ भी नहीं है, भूल गए तो भूल गए, अल्लाह ताला भूल पे माफ करता है। अगर कोई मैं कहता है मैं भूल गई, मैं नोट्स लाना भूल गई, हाँ हैबिचुअल नहीं है कि बहाने नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं भूल पे माफ, क्यों, अल्लाह हमें भूल पे माफ करता है। फिर अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, ठीक है, जैसे कैद में लोग होते हैं, उनको फोर्स करता है कोई गलत काम के लिए, तो उन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरीली द रिलीजन इज ईजी एंड नो वन बर्डन्स हिमसेल्फ इन रिलीजन बट दैट इज ओवरवेल्म्स हिम। यानी दीन तो अल्लाह ने बहुत आसान बनाया है, हम खुद ओवरवेल्म होते हैं क्योंकि हमें उसकी एप्लीकेशन नहीं समझ आती, हम कुरान और सुन्नत की लाइट में नहीं उसको देखते। फॉलो द राइट कोर्स, सीक क्लोजनेस टू अल्लाह, गिव ग्लैड टाइडिंग एंड सीक हेल्प फॉर वर्शिप इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड अ पार्ट ऑफ द नाइट। तो जब आपको लगे कि दीन आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपने सुबह शाम की नमाज में, दुआओं में, अज़कार में और तहज्जुद के वक्त में अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए दीन को आसान बना दे। ये क्यों मुझे बोझ लग रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो दीन को बहुत आसान बनाया, हम पे वो बोझ ही नहीं डाला जो हमें मुश्किल लगे। वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। अफ़ जो होता है ना, अफ़ व दरगुज़र हम कहते हैं, ये होता है जब हमसे केयरलेसनेस हो जाए। फ़राइज़ के मामले में हम केयरलेस हो जाएं, वाजिब के मामले में केयरलेस हो जाएं, अल्लाह का हुक्म है बस हम केयरलेस रहे, तो हम उसके लिए अल्लाह ताला से कहते हैं वाफ़ु अन्ना। यानी जब आप ये वाला पार्ट पढ़ें वाफ़ु अन्ना, तो आप ये सोचें कौन कौन सी जगह पे मैं केयरलेस हो गई थी, और हम उस वक्त अल्लाह ताला को कह रहे थे अल्लाह ताला प्लीज़ ओवरलुक कर दें, दरगुजर कर दें, हो गई मुझसे ये गलती, आई वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, आई शुड हैव बीन। ठीक, फिर जब हम कहते हैं वग़फ़िर लना गफ़रा, गफ़रा का मतलब होता है टू कवर। जैसे आपका कमरा बहुत मैसी हो और एकदम से अम्मा अंदर आए और कहें फलां फलां मेहमान आ रहा है, उन्होंने घर देखना है, तुम्हारे कमरे में भी आके बैठना है, हम कहते हैं या अल्लाह, पैनिक बटन दब जाता है हमारा, हम कहते हैं क्या करूं, चीज़ें कैसे समेटूं, डांट अलग पड़ रही होती है, तो मैं रोज़ कहती हूँ सफाई करो, तो हम क्या करते हैं एक प्यारी सी चादर ला के ऊपर डाल देते हैं, या अलमारी में सारी चीज़ों को यूँ फेंकते हैं और अलमारी बंद कर देते हैं, हम कहते हैं शुक्र है कमरा तो साफ लग रहा है ना, डंप करते हैं चीज़ों को। तो अल्लाह ताला से हम ये कहते हैं अल्लाह ताला मेरे बहुत गुनाह हैं, मेरी हैं ज्यादतियाँ, रिलेशनशिप्स में भी हैं, इबादात में भी हैं, बहुत से मेस हैं, मेरे रब वग़फ़िर लना, यू प्लीज़ कवर अप माई मिस्टेक्स। और आपको पता है कि एक हदीस से हमें पता चलता है कि आखिरत में क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हम में से हर एक को बुला के दिखाएंगे कवर उठा के, ये तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, और हम ड्रेड कर रहे होंगे अब क्या होने वाला है, बट ही विल कवर इट अप एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्सपोज अस टू इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ये अल्लाह की शान है। तो हम कहते हैं अल्लाह ताला मेरी मिस्टेक्स जो हो गई हैं उसको प्लीज़ कवर कर लें, इट विल बी सो ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी टू बी एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। दुनिया में आप देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, किसी की पिक्चर, किसी की बात, सच्ची झूठी सोशल मीडिया पे आ जाए, लोग उसकी वजह से सुसाइड कमिट कर लेते हैं, सह नहीं पाते कि लोग मेरे बारे में क्या कुछ सोचें, तो सोचें क्यामत के दिन अगर वो सारी बातें एक्सपोज हो जाएं, हम ये दुआ नहीं मांगेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगी, हमने मांगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझसे मांगो कि अल्लाह ताला जो मुझसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो बड़े ब्लंडर्स हैं, वग़फ़िर लना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला कवर अप कर लेना, प्लीज़ डोंट एक्सपोज मी, मैं हूँ कमज़ोर इंसान, मुझसे गलतियाँ होती हैं। और फिर हम क्या कहते हैं वरहमना, अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमा, हैव मर्सी ऑन मी, और मर्सी होती है जो हमारे एरर्स होते हैं। सो देखिए दिस इज़ अ दुआ विच कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स जो हमारी वीकनेसेस हैं उनके। एक तो हम ईमानियात की बात कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं मेरे पे बोझ ना डाल, फिर हम कह रहे हैं जो बोझ बस उतना ही हो जितना मैं सह सकती हूँ,
और फिर हम कह रहे हैं तारा मुझे माफ़ भी फरमा दे, और माफ़ करने में मेरी जो गलतियाँ, जो मैंने केयरलेसनेस की है, मैं जो भूल गया हूँ, जो मुझसे रह गया है, जो मैंने ब्लंडर्स किए हैं, और जहाँ पर मेरे से बस एरर्स होते चले जा रहे हैं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ होगा जिसकी सफाई करनी है। तो जब हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं तो फिर आप देखें अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है, बिकॉज अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड, इज़ वेरी मर्सीफुल। जैसे ही हम ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला हमें एक फ्रेश स्टार्ट दे देते हैं। वन ऑफ द नरेशन वी फाइंड आउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द कुरान एंड पीपल हु अप्लाइड इट विल बी ब्रॉट ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन प्रीसीडेड विद सूरा अल बकरा एंड सूरा अल इमरान आर्ग्यूइंग ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु अप्लाइड देम। आखिरत के दिन सूरा अल बकरा और सूरा अल इमरान उस शख्स के लिए झगड़ा करती हुई आएंगी, इसको बख्श दिया जाए, इसको माफ़ कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि जब हम सूरा अल बकरा ही पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो सूरा अल इमरान भी पढ़ें, आगे भी पढ़ें, इस सूरत में इतने की मैसेजेस हैं कि जो इन पे अमल करना शुरू कर देगा ना, वो भी उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो झगड़ा करेंगी कि अल्लाह ताला नहीं, इसने मुझे पढ़ा, ये डेली पढ़ती थी, ये आखिरी आयात भी पढ़ती थी, ये इस पे अमल भी करती थी, इसने उम्मत वसत होने का रोल प्ले किया, इसने अपने रिलेशनशिप में वर्क किया, इसने ये काम किए। लॉन्ग चेक लिस्ट होगी जो प्रेजेंट की जाएगी। और इसी वजह से ये वाली हदीस भी अब हमें समझ आती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, डू नॉट टर्न योर हाउसेस इनटू ग्रेवयार्ड्स, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान कैसा होता है? आइसोलेटेड, वहाँ डर लगता है, खौफ आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, अजीब कैफियत होती है, जाने को दिल नहीं चाहता। तो हमारा भी अगर अपने घर में ये कैफियत हो जाए, जाने को दिल ना चाहे, कोई चीज़ अच्छी ना लगे, कुछ पसंद ना आए, घबराहट हो वहाँ पे, तो फिर क्या कमी है? शैतान रन्स अवे फ्रॉम हाउस इन विच सूरा अल बकरा इज रिसाइटेड। ये शैतानी हमले होते हैं कि हम अपने घर वालों से दूर हो जाएँ, आइसोलेट हो जाएँ। और जो शख्स सूरह अल बकरा की तिलावत करता है, क्योंकि देखिए तिलावत का मतलब क्या है, तिलावत का मतलब है आप उसकी वर्डिंग पे भी गौर करें, उसकी मीनिंग भी समझ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन भी करें। हक्का तिलावती ही है ना, हमने इसको कवर भी किया था। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर होती है, आपके अंदर से तब्दीली आती है, और वो आपके पूरे पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करती है, आपके पूरे घर माहौल को इम्पैक्ट देती है। इसीलिए कहा है कि जो सूरह अल बकरा पढ़ेगा शैतान भी दूर भागेगा, घर कब्रिस्तान नहीं होंगे, घरों के अंदर वो खुशियां आ जाएंगी जो हम चाहते हैं, हम क्रेव करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर बेहतर हो जाएं। अब वक्त आ गया है कि हम इसकी तिलावत सुने, और मैं चाहूंगी कि जब ये तिलावत हो रही हो तो आप बहुत गौर से अपने आप को इंटरनलाइज करके इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें कि इसमें अल्लाह सुबहान ताला हमें क्या कह रहे हैं और हमने इस पे कैसे तवज्जो देनी है। तो आयात को देखिएगा और तिलावत सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्द وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میرے رب، اس پورے پروگرام میں رمضان کے جس جس نے جو جو فیسیلیٹیشن دی، آسانی دی، کالج کی انتظامیہ، پرنسپل، اساتذہ، اسٹوڈنٹس، جتنا سٹاف گیٹ سے لے کر اندر تک، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، میرے رب ان سب کو برکتیں عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين ثم امين.